तमाम 2024 को लेकर जो बेयकनी फैल रही थी फाइनली उसका ख़ात्मा हो चुका है क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट है उसने 15 दिसंबर की रात को इलेक्शन कमीशन की दरखास्त पर यह फ़ैसला सुनाया और एग्जेक्टिव यानी जो सरकारी अफसरान होते हैं उनके ज़रिए इलेक्शन मनक़द करने के लिए नोटिफिकेशन को बहाल कर दिया है और फाइनली जो इलेक्शन कमीशन है उसने तरबियत शुरू करने के अहकाम जो हैं वो जारी कर दिए हैं बुखारी साहब फ़ाइनली जो एक हम कयास आरियाँ सुन रहे थे कि आठ फरवरी को इलेक्शन फिर से नहीं होने जा रहे क्योंकि अदालत का एक फैसला आ रहा है और इस पर कुछ डिलेइंग टैक्टिक्स होंगी और फिर मामला जो हैं वो खराब होंगे लेकिन अब हम देख रहे हैं कि वो उन तमाम बेयकीनियों का खात्मा कर दिया गया देखिए ये हवा में नहीं है बात इसके लिए प्रैक्टिकली जो कुछ हुआ है उसका तस्करा बहुत जरूरी है हम अपने नाजन के साथ शेयर करेंगे इसको लेकिन ये बात भी अब अपनी जगह तय है कि इलेक्शन जो करीब आ रहा है तो पॉलिटिकल फीवर जो है ये या जिसको पॉलिटिकल टेचर कहते हैं वो भी हो रहा है बढ़ रहा और बढ़ना चाहिए क्योंकि इलेक्शन एक सीरियस एक्सरसाइज है इसने तय करना है कि आइंदा पाँच सालों के लिए कौन इस मुल्क पर हुकूमत करेगा तो इस इलेक्शन को आप इसकी इम्पोर्टेंस को अंडरमाइन नहीं कर सकते किसी सूरत देखिए इलेक्शन के लिए आठ फरवरी की तारीख जो है वो पत्थर पर लकीर है ये कह के पहली शटअप कॉल जो है वो तो दी थी काजी फ़ायजीसा साहब ने अगर आपको याद हो कि जब अटॉर्नी जनरल ने मंसूर उस्मान ने जब वो ये यकीन दहानी कराई कि इलेक्शन कमीशन और हुकूमत आठ फरवरी को इलेक्शन कराना चाहते हैं तो उन्होंने कहा कि इसको अब पत्थर पर लकीर समझें विच मीन्स के पहली दफ़ा एपेक्स कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा यह पत्थर पर लकीर है इट मीनस ए लॉट एक उसके बाद एक प्रोसीडिंग के दौरान पीटीआई के वकील थे गालबन नाम मुझे याद नहीं है इस वक्त उन्होंने कुछ इस इस तरह की बात की कि देखिए फलां वजह से इलेक्शन में तकिर जो है वो मुमकिन है तो जस्टिस अतर मंडलना ने उनको शटअप कॉल दी और कहा कि दोबारा अगर आपने ये बात की तो मैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाऊंगा आपके ऊपर और तीसरी और फिर एक बार नोट पे लिखा गया करेक्ट अब तीसरी बार सुप्रीम कोर्ट ने बलूचिस्तान हाई कोर्ट का ये फैसला कि आप जो हल्का बंदी है उसमें तब्दीली कर दें उसको उठा के फेंक दिया बाहर और कहा कि नो मोर कोई सवाल नहीं पैदा होता ये अब इलेक्शन के बाद देखी जाएगी क्योंकि शेड्यूल का ऐलान हो जाए तो, तो फिर उसके बाद आप नहीं करेक्ट हो गया देख सकते तो कहने का मतलब यह है कि जब जहाँ तक एपेक्स कोर्ट का ताल्लुक है और इलेक्शन कमीशन का भी ताल्लुक है तो आठ फरवरी फाइनल डेट अब इससे मुफर मुमकिन नहीं है आप इससे फरार इख्तियार नहीं कर सकते बहुत सारी कोशिशें हुई हैं पहले आपको मालूम है जो जो कुछ हुआ है यहाँ खान साहब जो थे वो बहुत जल्दी में थे कि उनकी हुकूमत दोबारा बन जाएगी पाँच साल के लिए लिहाजा उन्होंने दो अपनी इसम्बलियाँ तोड़ दी सारी दुनिया उनको कहती रही उनके दोस्त भी कहते रहे उनके सियासी हलीफ भी कहते रहे कि खुदा के लिए ये ना करें उनका नहीं मैं तोड़ूँगा चलिए एक एकदम हो गया एक गलती होती है कहते हैं ना कि गलती को आप फिर दुरुस्त कर सकते हैं फिर आपने दूसरी गलती की फिर आपने इसम्बली से इस्तीफे दे दिए पता नहीं आप किस जल्दी में थे हुकूमतें आपकी थी आप क्यों क्या अजाब आ गया था जो आप उनको तोड़े जा रहे थे जिस जिस मकबूलीत का बुखार आपको आज भी है वो तब भी कायम थी ना

फिर उसके बाद नौ मई जैसा कि मैंने पहले भी आपको कहा था कि वो एक ऐसा बोझ है जो उठा के कोई सियासी जमात बड़ी मुश्किल से सरवाइव कर सकती है हमारी दुआ है हम दुश्मन नहीं हैं खान साहब के ये तो उनके सोशल मीडिया हैंडलर्स और यूट्यूबर्स बना देते हैं हमें दुश्मन हुँ। हुँ। उनका। लेकिन गलत डिसीजंस डिसीजंस पर दिसीयंस इस तरह से करके अगर करना, सही आपको बात करना जरूर है तो वो हम करते रहेंगे तो मेरा ख्याल है इसको बर्दाश्त करना सीखना चाहिए अब आजन जी दूसरी तरफ आप अठारह जो लीडर हैं पी टी पी टी आई के उनके शनाख्ती कार्ड जो हैं वो मनसूख कर दिए हैं उन्होंने मनसूख का लफज है ब्लॉक का लफज है शायद ब्लॉक कर दिए हैं इसका नेचुरली मतलब ये होता है कि वो बेनिफिट जो आप ड्राइव करते हैं थ्रू द आई डी यानी अपने शनाख्ती कार्ड के ज़रिए उससे आप अब महरूम हो गए हैं और ये उस वक्त तक ब्लॉक रखे जाएंगे जब तक आप अदालतों में आके पेश नहीं हो जाएंगे राइट दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि अभी कोई ऐसा

उनके पार्टी इलेक्शन को चैलेंज खुद उनकी पार्टी के सबका लोगों ने किया है अकबर एस बाबर आपके सामने है लेकिन पीटीआई तो कह रही है कि दावा है, वो प्लांटेड है वो दावा करते हैं नहीं प्लांटेड वो बिल्कुल नहीं है वो फंडामेंटल मेंबर्स में से एक है प्लीज डोंट मेक ए मिस्टेक लेट दिस बी वेरी क्लियर जो चंद फाउंडिंग मेंबर्स थे ही इज वन ऑफ देम वो जब फॉरेन फंडिंग केस में गए तब भी ही वाज स्टिल द मेंबर बाद में आप इंतकामी तौर पर उसके बारे में जो मर्जी प्रेस रिलीज जारी कर दें वो अपनी जगह है तो ये आप नहीं कह सकते कि हु इज़ ही नो ही और फिर वो अब ये दावा कर रहे हैं कि उनके साथ सैकड़ों लोग और पार्टी के हैं एनी वे हैविंग सेड दैट बल्ला इज़ ए कंट्रोवर्शियल थिंग और उसका दारो मदार जो है वो इस इलेक्शन के सही करार दिए जाने पर है अगर वो नहीं होता है तो फिर सूरत हाल बहुत मुख्तलफ और बहुत तकलीफ देह हो जाएगी तो बुखारी साहब ये जो इलेक्शंस हुए और अभी उसको कंट्रोवर्शियल किया जा रहा है जो पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हैं ए, क्या इससे एक तासर भी जा रहा है ना आवाम में कि ये एक सिर्फ पीटीआई पे सख्ती की जा रही है तो क्या जो दूसरी पार्टियां हैं वो इससे मुबर रही है? तो होते हैं बिला मुकाबला बिल्कुल आपने ठीक कहा होता ये है कि जिस चीज़ को जब चैलेंज कर दिया जाए अगर किसी ने जाके चैलेंज किया है कि जी ये इलेक्शन ठीक नहीं हुए तो उसके ऊपर एक्शन है ना अगर पिछली जमातें जिनके जिन्होंने इलेक्शन करवाए थे उनमें से भी किसी पार्टी के किसी रुकन ने चैलेंज किया होता तो यही सूरत है लेकिन अकबर एस बाबर ने यह कहा है अपने उस दरखास्त में कि दूसरी पार्टियां जो हैं उनको भी इस कान, इस कानूनी जवाब का पाबंद हो पहली चाहिए। बात तो ये है कि जो इलेक्शन लॉज हैं उसकी पाबंदी तमाम जमातों को करनी चाहिए हम किसी को भी रियायत नहीं दे सकते ठीक लेकिन वो फिर वही बात है जो प्रोवरबली कही जाती है कि डू टू मिस्टेक्स मेक वन राइट

और कोई तो फ़र्क नहीं पड़ने जा रहा वो बल्ले पर लड़ें या बैटमैन के ऊपर लड़ें बात एक ही है नाम तो महात्मा खान का चलना है ना तो महात्मा खान के नाम के साथ किसी चीज़ को भी आप रख देंगे वो बिकेगी ठीक है तो इसलिए मेरे ख्याल से इसको इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी बनाने के लिए मेरे तो ख्याल से कल जो महफूज़ फैसला है उसके अंदर उन्हें कहना चाहिए कि जनाब आप करें। ठीक हो गया ताकि अवाम में जो है ये ताल्ड ना हो के पीटीआई को जो है क्योंकि इससे अवाम में एक तासर भी जा रहा है नजीन आज के लिए इतना ही मुझे दीजिए इजाजत पाकिस्तान की हमेशा पाइंदगी की दुआ के साथ अल्लाह सुना सर